ये आपके पास जो है वो कुछ एग्जाम्पल है, इसको आपने जो है वो रन करके जो है वो देख लेना। कास्केड मॉडल के नाम से हमारे पास ये फाइल है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास फोर नेटवर्क्स हैं, दो नेटवर्क्स आपके जो बुक नंबर थ्री है उसके अंदर से लिए गए, उसके चैप्टर 19 में से जो है वो नेटवर्क्स लिए हुए हैं, बाकी एक जो है वो लाडा डायनेमिक का फेसबुक का नेटवर्क है और एक जो है वो आपके पास सिंपल लाइन नेटवर्क है, ठीक है। तो आपके पास ये नेटवर्क्स जो है वो आपके पास गिवन है, इसके अंदर आप जो है वो पे ऑफ सेट कर सकते हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल पे हम लोग बाद में आते हैं, बाइलिंगुअल को अभी हम लोगों ने ऑफ रखा हुआ है। ए का पे ऑफ हमारे पास लेट्स से 3 है, बी का पे ऑफ हमारे पास 2 है, और हम लोग जो है वो किसी एक नेटवर्क के ऊपर जो है वो हम लोग देखते हैं कि कोई नोड जो है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो लेट्स से ये हमारे पास फेसबुक है, फेसबुक का एक छोटा सा नेटवर्क है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। तो बीच में आपको क्लास कम्युनिटी मिल रही है और ये एक कम्युनिटी और ये कुछ कम्युनिटीज आपको साइट पे जो है वो मिल रही है। तो इसके अंदर अगर आप रैंडमली ओपिनियन जो है वो एलोकेट करें, ठीक है, और उसके बाद फिर आप इसको जो है वो स्प्रेड करें, तो हो सकता है कि सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके पास एक ओपिनियन को अडॉप्ट कर लें। तो इसके अंदर क्योंकि ओपिनियन ए जो है, ब्लू जो है, उसके अडॉप्ट करने का पे ऑफ ज़्यादा था, तो इस तरह से सारी की सारी नोट्स ने ओपिनियन जो ब्लू ओपिनियन था उसको अडॉप्ट कर लिया। अब लेट्स से अगर हम लोग जो है वो बी का पे ऑफ जो है वो हम लोग ज़्यादा रख देते हैं और रेंडमली ओपिनियन दे देते हैं शुरू में, तो आपके पास क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ज़्यादातर नोट्स जो है वो आपके पास जो रेड ओपिनियन है उसको जो है वो अडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो दोनों के ओपिनियन जो है वो हमारे पास स्प्रेड होने जो था इनिशियल ओपिनियन वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इक्वल थी। अब लेट से ओपिनियन ए जो है उसका पे ऑफ ज़्यादा है और शुरू में हम लोग कहते हैं कि 30% नोट्स का जो है वो हमारे पास ओपिनियन जो है वो हमारे पास ओपिनियन ए है, दैट मीन्स ब्लू है। तो 30% नोट्स है उनका ओपिनियन ब्लू है, ए का पे ऑफ ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है पे ऑफ ज़्यादा होने से जो सारी की सारी नोट्स हैं वो ओपिनियन को अडॉप्ट कर लें। लेट्स सी इस केस में क्या होता है। इस केस में हमारे पास जो है वो जो इक्विलिब्रियम बनता है वो ये देखें कि एक इस छोटी सी कम्युनिटी के अलावा बाकी सारी कम्युनिटी के अंदर जो है वो ओपिनियन बी जो है वो स्प्रेड हो गया। क्यों? क्योंकि 70% नोट्स का ओपिनियन जो है वो हमारे पास रेड था और इवन ए का जो है पे ऑफ ज़्यादा था, लेकिन स्टिल मतलब ज़्यादातर नोट्स ने क्योंकि ओपिनियन बी को अडॉप्ट किया हुआ था शुरू में, तो अल्टीमेटली हमारे पास एक कम्युनिटी के अलावा बाकी सारी की सारी नोट्स ने जो है वो हमारे पास रेड ओपिनियन जो है वो अडॉप्ट कर लिया। अब अगर हम लोग ये करें कि 30% नोट्स ने ओपिनियन जो है वो हमारे पास ब्लू अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ब्लू का पे ऑफ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेट्स से ए का पे ऑफ ब्लू का पे ऑफ 10 कर दिया और हमारे पास जो रेड है उसका पे ऑफ हम लोगों ने जो है वो 2 कर दिया, तो लेट्स से अब हमारे पास जो है वो कैसे स्प्रेड होता है। अब क्योंकि उसका इनिशियली बेशक 30% नोट्स का ओपिनियन ब्लू था, लेकिन उसका पे ऑफ इतना ज़्यादा था कि हमारे पास सारी की सारी नोट्स ने जो है ओपिनियन जो ब्लू ओपिनियन है वो उसने अडॉप्ट कर लिया। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से हम लोग इसको जो है वो सिमुलेट करके भी देख सकते हैं। और फिर इसको आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आपने क्या करना है कि लेट्स से यही अगर हम लोग नेटवर्क लें और इसके अंदर आपके पास जो है वो ओपिनियन जो है वो आपके पास लेट्स से ब्लू का ओपिनियन पे ऑफ ज़्यादा है, रेड का पे ऑफ कम है, और आप क्या करें कि कुछ जो है वो आप ब्लू नोट्स को सिलेक्ट कर लें, कुछ आप रेड नोट्स को सिलेक्ट कर लें, सॉरी ये दोनों की दोनों हो रही है, इसको आप खुद जो है वो ट्राई करें तो आपको जो है ना काफ़ी इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली कम्युनिटीज़ के अंदर कुछ ये जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ बन रही हैं इसके अंदर जो है वो कुछ को
ब्लू ओपिनियन दे दिया, कुछ को जो है वो रेड ओपिनियन दे दिया, और फिर हम लोग देखते हैं कि कम्युनिटीज का क्या रोल होता है ओपिनियन स्प्रेड होने में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अभी यह कि हमारे पास 26 जो है वो हमारे पास ब्लू नोड्स हैं और उनका ओपिनियन हमारे पास क्या, उस ब्लू का पे ऑफ ज़्यादा है। राइट 9 जो है वो हमारे पास रेड ओपिनियन वाले हैं और रेड का पे ऑफ जो है वो हमारे पास कम है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अपडेट करते हैं, देखें क्या हुआ आपके पास। ऑल दो आपके पास जो है वो ब्लू का पे ऑफ ज़्यादा है, और शुरू में हमारे पास जो है वो ज़्यादातर नोड्स जो हैं वो हम लोगों ने ब्लू सेलेक्ट की हुई थी, लेकिन अगर आप देखें तो जिन कम्युनिटीज़ के अंदर रेड ओपिनियन प्रिवेल कर रहा था, उसकी मेजॉरिटी थी, दे रिमेन विद द रेड बिहेवियर, दे रिमेन विद द रेड ओपिनियन, ठीक है। तो आपके पास जो कम्युनिटीज़ होती हैं उसके अंदर आपके पास हो सकता है कि कम पे ऑफ हो, लेकिन स्टिल उसके अंदर नोट्स जो हैं वो एक कम पे ऑफ वाले ओपिनियन को जो है वो अडॉप्ट करें या अडॉप्ट रखें, और उनका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पे अगर ब्लू को देखें तो ये हमारे पास काइंड ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, सारे के सारे नेटवर्क के अंदर हमारे पास ब्लू इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर गया, लेकिन सिर्फ ये जो दो कम्युनिटीज़ थी इसके अंदर नहीं स्प्रेड कर सका। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके अंदर जो मेजॉरिटी नोड्स थी और वो जो हमारे पास थ्रेशोल्ड बन रहा था ओपिनियन रेड का, वो हमारे पास ज़्यादा बन रहा था ब्लू के जो ब्लू नेबर्स थे उनके थ्रेशोल्ड से, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास इन कम्युनिटीज़ के अंदर हमारे पास जो रेड ओपिनियन रहा और ये रेड ओपिनियन ही कंटिन्यू करेगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारे पास कम्युनिटीज़ होती हैं उसके अंदर हमारे पास बेशक कम पे ऑफ वाला ओपिनियन हो, लेकिन इट कैन प्रिवेल, ठीक है। वो हमारे पास जो है वो आप इसे रेजिस्टेंस कह लें, आप इसे ट्रेडिशंस के साथ जो है वो एसोसिएशन कहते हैं कि कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं दे स्टिक टू देयर ट्रेडिशंस या दियर वैल्यूज़, तो वो उनके ऊपर जो है वो फिर हमारे पास जो है वो उनका जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं करता, बेशक उसका पे ऑफ जो है वो हमारे पास ज़्यादा। अच्छा, इसके अंदर एक जो चीज़ हम लोग स्टडी कर सकते हैं वो हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो नोड्स हैं वो बायलिंगुअल हों, ठीक है। बायलिंगुअल का क्या मतलब है कि नोड जो है वो हमारे पास दोनों ओपिनियन अडॉप्ट कर रही है, रेड भी और ब्लू भी, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास उसकी अपनी कुछ कॉस्ट होगी, ठीक है, कि अगर एक नोड ना रेड ओपिनियन को अडॉप्ट कर रही है ना वो ब्लू ओपिनियन को अडॉप्ट कर रही है, तो देर मस्ट बी सम कॉस्ट फॉर इट ना। तो अगर हम लोग वो अपना कॉस्ट जो है वो हम लोग रख लें और उसके बाद अगर हम लोग इसको अडॉप्ट करें, इसके लिए आई थिंक ये नाइन बहुत ज़्यादा ये हो रहा। अब इसके अंदर हमारे पास ओके, इसको 50 पे कर लेते हैं, 50% नोट का रेड ओपिनियन है, 50% नोट का हमारे पास ब्लू ओपिनियन है, ब्लू का पे ऑफ जो है वो हमारे पास रेड से ज़्यादा है। इसको हम लोग अपडेट करते हैं, अच्छा। अब अगर हमारे पास इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी दोनों ओपिनियंस को अडॉप्ट करने की, तो हमारे पास जो है वो कोई भी नोड जो है वो हमारे पास बायलिंगुअल नहीं होगी, दैट मीन्स के दोनों ओपिनियंस को अडॉप्ट नहीं कर रही होगी। लेकिन अगर इसकी हमारे पास कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, पेनल्टी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है कुछ नोड्स को बेनिफिट हो कि वो आपके पास दोनों ओपिनियंस को अडॉप्ट करें। जिस तरह आपके पास ये जो दो ग्रीन नोड्स आपको नज़र आ रही हैं, इन दो ग्रीन नोड्स कि बेसिकली इन्होंने दोनों ओपिनियंस अडॉप्ट किए हुए हैं, ब्लू ओपिनियन भी अडॉप्ट किया हुआ है, रेड ओपिनियन भी अडॉप्ट किया हुआ है। रीज़न बीइंग के उसके एक साइड पे जो है हमारे पास ब्लू ओपिनियन वाली नोड है, एक साइड पे हमारे पास रेड ओपिनियन वाली नोड है। तो इस तरह के भी हमारे पास सिनेरियोज हो सकते हैं, या हम लोग अपने जो नेटवर्क को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि व्हाट हैपेंस इफ अ नोड हैज बोथ ओपिनियंस। अगर आप इसे पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो आपके पास कुछ नोड्स, कुछ लोग होते हैं वो आपके पास पक्के जो है ना एक पार्टी के साथ जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, ख़ानदानी एक पार्टी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। देर इज़ वेरी हाई चांस कि आप उनको जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर सकें कि वो आपके पास जो है वो किसी दूसरे बंदे को जो है वो वोट दें।
और इस तरह आपके पास जो है वो कुछ आपके पास लोग होते हैं जो अनडिसाइडेड होते हैं, ठीक है, वो अपनी एक सोच रखते हैं, इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, वो चीज़ें देख रहे होते हैं या इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते कि उन्होंने जो है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो वोट देना है। नाउ यू कैन थिंक ऑफ देम एज एज बायलिंगुअल्स, और वो अनडिसाइडेड होते हैं। अगर आप ऐसी नोट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके पास जो बायलिंगुअल्स हैं, तो आपके पास इनफैक्ट जो टर्नओवर होता है, जो जो एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है किसी भी मुल्क के अंदर, वो इसी बेस पे जीत रही होती है कि वो अनडिसाइडेड जो वोटर्स हैं उनको कितना इन्फ्लुएंस करती है कि वो आपके पास अपना वोट जो है वो चेंज कर लें। तो इसको हम लोग बायलिंगुअल्स को जो है वो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों को?